जबरदस्त मौसम बना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। देखिए कितने काले काले बादल। बारिश तेज हो गई यहाँ, एकदम खुला खुला दिख रहा है। यहाँ फूक दीजिए भी। देखिए मीठी नीम कैसे लहरा रही है, बल खा रही है। मीठी नीम पे जैसे लग रहा है अलग से लाइट की फोकस पड़ रहा है ना, रोशनी दिख रहा है इस पे। अरे देखो इधर से देखो कितना जैसे लग रहा है दिन है। क्यों मेरे को अपने बहन को कैप्चर करने में परेशान रहता है बस। और ही तुम्हारी बहन इधर खड़ी है, देख लो हो गया। अकेले भागो, बारिश बारिश नहीं आ रहा है। देखो देखो दिखाओ कितना बारिश। देखिए बारिश, ये देखिए स्लोली स्लोली, देखिए बारिश। और देखिए सामने का व्यू, देखिए कुछ नहीं दिख रहा, वो सामने का टावर्स वगैरह सब गायब हो गए हैं। हटो हटो। और यहाँ पे मेरी बन रही है तावा वाली लिट्टी। इसको मोटी मोटी सी बेल के इसमें छेदा कर दिए ताकि हमारा फूले ना, एकदम करारी करारी लिट्टी बने। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था भाई, सब्जी रोटी खाने का मन था नहीं, सॉरी दाल चावल। आजकल मैं दाल चावल बनाती हूँ रात को, तो खाने का मन नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैंने बैंगन का चोखा बनाया था और लिट्टी बनाई थी। और चोखा मैंने देखा था दीप का मैंने चोखा देखा, तो मैंने कहा चलते आज उसी स्टाइल में बनाते हैं। तो उन्हीं की स्टाइल में बनाए थे और बहुत ही टेस्टी सब बना था चोखा, मैं सच बताती हूँ। और टमाटर नहीं था, टमाटर की जगह मैंने अमचूर डाला था। बारिश इतनी हो रही थी कि कोई जा नहीं सकता था मार्केट, तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, अमचूर डाल देते हैं। लेकिन गजब का चोखा बना था। और यहाँ मेरी लिट्टी भी देखिए बन के रेडी हो गई है, बहुत मस्त लगती है, गरम गरम खाइए। और आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी गर्मा गर्म चोखा और लिट्टी खा लीजिए। और दो लिट्टियाँ मैंने बनाई थी, एक में से मैंने नंदू ने खाया था, एक को ये नंदू के पापा ने खाया था। बहुत टेस्टी यम्मी बना था, मेरे से अच्छे से सेकने नहीं आ रहा था, जगह जगह जल जा रहा था, लेकिन हाँ लेकिन अच्छा बना था, कड़ा कड़ा एकदम करारा करारा।